नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका महादेवी वर्मा सृजन पीठ के इस लाइव आयोजन में आमंत्रित करने के लिए। मैं सृजन पीठ की आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। वैसे तो इस सृजन पीठ से मैं काफी वर्षों से जुड़ी हुई कहूँ तो महादेवी वर्मा से तो मेरा नाता और भी ज्यादा पुराना है, अपने जन्म से भी पहले से है। इस अर्थ में कि मेरी माँ महादेवी जी की प्रिय शिष्या रहीं। बाद में जब मैं कॉलेज गई पढ़ने, हाई स्कूल के बाद बनस्थली विद्यापीठ गई पढ़ने, पर मेरे टीचर कहते थे कि ये देखना, एक यह लड़की एक दिन जरूर दूसरी महादेवी वर्मा बनेगी। तब से इस बात से के बाद से हॉस्टल में मेरे अलमारी पे, कमरे की अलमारी जो थी वहां पर महादेवी जी की एक सौम्य तस्वीर हमेशा वहां चिपकी रही। हॉस्टल बदले, अलमारियां बदली, लेकिन वो तस्वीर जो थी वो मेरे दिल में हमेशा बसी रही। ये कहा गया है कि मैं एक कहानी का पाठ करूं पहले और उसके पश्चात कुछ कविताओं का पाठ करूं। तो सबसे पहले मैं कहानी से ही शुरू करती हूं, जिसका शीर्षक है अपना पता। कहानी प्रस्तुत है अपना पता। बाहर जाने का मूड नहीं है अब, वैसे भी शाम हो गई है, जल्दी ही अंधेरा घिर आएगा, शायद कल से भी ज्यादा गहरा, जो मेरे संपूर्ण वजूद को ढक लेगा। देर से घर लौटूंगी तो पापा गेट के पास हाथ में टॉर्च लिए अंधेरे में चहलकदमी कर रहे होंगे। मम्मी अंदर ग्रिल के पास कमर में चौड़ी बेल्ट बांधे पत्थर की मूरत सी खड़ी होंगी, मेरे पहुंचते ही फट पड़ेंगी, इतनी देर लगा दी, हमारी तो जान ही निकल गई थी, मानो मैं कोई दूध पीती बच्ची हूं, रास्ता भूल जाऊंगी। दो बड़े बड़े बच्चों की माँ हूं मैं अब, लेकिन मम्मी पापा भी बस, ज्यादा कुछ कहूंगी तो मम्मी बोलेंगी, तो नहीं समझती मीता, यह शहर अब पहले वाला शहर नहीं रहा। दिन दहाड़े चोर उचक्के गले की जंजीर और हाथ का पर्स खींचकर भाग जाते हैं, और ये रिक्शे वाले पैर पसार खाली रिक्शे पर पड़े रहेंगे खैनी खाते हुए, लेकिन कहीं चलने को तैयार नहीं होंगे। इस सब से तो खैर में निवट लेती, मम्मी को ठंडा करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि मेरा जरा भी मूड नहीं है अब शॉपिंग का। घर से निकली थी तो सोचा था कि दुल्हन सुहागन और साड़ी घर में दो चार साड़ियां देखूंगी, कोई पसंद आएगी तो खरीद लूंगी। चलते वक्त मम्मी ने 2000 रुपए भी धरा दिए थे, देख अब की कोई अच्छी सी साड़ी खरीदना, चाहे एक ही खरीद, तुझसे तो पैसे खर्च भी नहीं किए जाते, सोचती है अपने पापा का जितना अधिक से अधिक बचा सके बचा ले। और मेरा यह एस्ट्रोआर्थराइटिस कमर से ऐसी बेकार हो गई हूँ कि साथ जा भी नहीं सकती। मम्मी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कर लूंगी ना सब कुछ, मैंने उन्हें समझाया था। अमित और अभिषेक इस बार नाना नानी के पास नहीं आ सके, अमित 10th में है और अभिषेक 12th पास कर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहा है। मैं भी कई सालों से कहां आ पाई, इस बार जी कड़ा करके अकेली ही चली आई। बस नीम चौक पर पहुंचकर इधर उधर ताकती हूं मैं, एक भी रिक्शा दिखलाई नहीं पड़ता, सिर पर धूप मानो तप रही है। अब घर से निकलो भी, इधर जितनी देर करोगी उधर लौटने में भी उतनी ही देर होगी, पापा ने कहा था। अब तो महराजी पुल तक पैदल चलना पड़ेगा, वहीं पर पहुंचकर कहीं रिक्शा मिलेगा। पापा तो कह रहे थे कि चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी, इतनी गर्मी में कहां जाएंगे। वैसे पापा कितने बदल गए हैं, चाहे 10 जगह में साड़ी देखूं कुछ भी नहीं कहते। पहले जब मम्मी एक से दूसरी दुकान पर जाती थी तो झुंझला जाते थे कि तुम औरतों को तो बस कुछ पसंद ही नहीं आता, मुझसे तो कहते हैं बेटा अगर आज तुम्हें कोई साड़ी जची नहीं तो कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएंगे, तब दूसरी जगह देख लेना। शोभा की दुकान आ गई है, वह मुझे देख हाथ हिलाती है, मैं भी दूर से ही हाथ हिलाती हूँ। सड़क पार कर उस ओर नहीं जाती, पापा चाय चीनी आदि ग्रोसरी का सामान आजकल यहीं से लेते हैं।
पापा बता रहे थे कि साल भर पहले ही यह दुकान खोली है शोभा ने। उसके पति की नौकरी छूट गई थी तो सड़क पर खुलने वाले कमरे में दुकान कर ली शोभा ने। घर का सारा काम करती है और दुकान भी देखती है। यह कोई नई बात नहीं है यहाँ के लिए। पत्नियां घर और बाहर दोनों संभालती हैं और पति आराम से बैठकर जर्दे वाला पान चबाते हैं और पिच पिच थूकते हैं। अमित के होने के बाद जब मैं यहाँ आई थी तो मम्मी ने 15 दिनों के लिए मालिश वाली लगा दी थी। वह मालिश तो अच्छी करती थी लेकिन बोलती बहुत ज्यादा थी। कैची की तरह उसकी जबान चलती ही रहती थी। आहा जाने छी दीदी, हमर मरद हमरा बड़ा मारैत अच्छी, करैत तो किछु नहीं अच्छी, मुदा ताड़ी पीविक पीविक अवैत अच्छी। जे किछु हम छिपा कर जोड़ैत छी, रुपया पैसा मारी पेटिक छीन लैत अच्छी। अब अही बताओ, 5 टा बच्चा का गुजर बसर भव सकैत अच्छी। अचानक मेरी सारी इंद्रियां सजग हो उठी हैं। जब तेरा मरद कुछ काम भी नहीं करता है, तुझे मारता भी है, तेरे पैसे तक छीन कर ले जाता है, तो कैसा मरद है वह? तू उसे झेलती क्यों है? जूते मारकर बाहर क्यों नहीं करती? वह घिघियाने लगी है। एना किसी कत सकई छी हम, आखिर हमर मरद छी वो, मर्द है तो जा मर उसके साथ, मुझसे क्यों बता रही है यह सब कुछ? झुंझला पड़ती हूँ मैं। दीदी अहाँ कतेक सुंदर छी, कतेक गोर चिकन देह अच्छी अहाँ का। अच्छा चुप कर, मस्का मत लगा, जानती हूँ मैं कहीं कुछ नहीं बदलेगा, यूं ही चलता रहेगा यह सब कुछ। जब तक कि औरत अपने पूर्व संस्कारों से मुक्त नहीं होती, यह आसमान अपनी बाहों में पनाह देने के बहाने उसे रौनता रहेगा, टूटता रहेगा उस पर कहर बन। दीदी, एक बड़ी सुरीली आवाज है मेरे कानों के पर्दों को धीरे से छूती, मेरे विचार तंतुओं में कंपन पैदा कर रही है। यह आवाज अतीत से उठी है या वर्तमान से, समझ नहीं पा रही हूं मैं। दीदी, फिर वही आवाज, एक जानी पहचानी आवाज। इस आवाज को मैंने पहले भी कभी सुना है, इस आवाज के आरोह अवरोह से परिचित हूं मैं। मेरे बाएं तरफ राज कंपाउंड की दीवार है, सामने कोई नहीं दिख रहा। पीछे मुड़कर देखती हूँ, पीछे भी नहीं है कोई। दाहिनी ओर सिर मोड़ती हूँ, घर या दुकानें जो कुछ भी हैं इधर ही हैं। दीदी, तीसरी बार पुकारता है कोई। उस आवाज के छोर को पकड़कर आंखें अनायास ही ऊपर छत की ओर उठ जाती हैं। नारंगी साड़ी में लिपटी एक सुंदर सी काया है बालकनी में खड़ी, मुझे हाथ से इशारा कर रही है। दीदी, एक मिनट ठहरना, मैं नीचे आती हूँ। मैं जहाँ की तहाँ जड़ हो गई हूँ, देख रही हूँ बालकनी की ओर, जहाँ अभी अभी नारंगी रंग का एक सूरज निकला था और अभी अभी बादलों की ओट में छिप गया। सामने दरवाजे से निकल सूरज बाहर आ रहा है। कैसा जादुई है यह सूरज कि आंखों को चुभता नहीं, बिल्कुल चांद जैसा शीतल है किंतु बेदाग। आंचल सिर पर रखे हुए सड़क पार कर मुझ तक आ गई है और मेरे पांव छू रही है सड़क पर। यह सब कुछ मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है। इधर उधर ताकती हूँ मैं कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। वैसे भी कोई मेरे पांव छुए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अपनी बढ़ती उम्र का एहसास होने लगता है मुझे। आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचानूंगी क्यों नहीं, शकुन हो तुम तो। फिर इतने सालों से मिलने क्यों नहीं आई? बाबूजी से तो कई बार मुलाकात हुई इस बीच, यहाँ ही मैं कई सालों बाद आई हूँ तो तुमसे कैसे मिलने आती? अच्छा यह बताओ, कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ, जिंदगी गुजर रही है बस। ऐसी बातें क्यों करती हो? जो सच है वही तो कहूंगी ना दीदी, अंदर आइए ना। वह मेरा हाथ पकड़ती हुई कहती है, नहीं अभी अभी चलूंगी शकुन, जरा टावर पर साड़ियां वगैरह देखनी है, दूसरे दिन आऊंगी पापा के साथ। दूसरे दिन आ जाइएगा बाबूजी के साथ, लेकिन आज 5-10 मिनट बैठने में क्या हर्ज है दीदी? उसका कहा दीदी शब्द मुझे बांध लेता है। निशा याद हो आती है अचानक, उसके इस प्रेम और मनोहार से भरे हाथ को झटक देने की क्षमता मुझ में नहीं।
अच्छा चलो चलती हूँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। वह मेरा हाथ पकड़े पकड़े ही अंदर ले आती है, मानो हाथ छोड़ देने पर मैं भाग जाऊंगी। अच्छा अब बताओ, ऐसी निराशा वाली बातें क्यों कर रही थी तुम? मैं ड्राइंग रूम में कुर्सी पर बैठती हुई कहती हूँ, कोई खास प्रॉब्लम है क्या? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। बच्चे कहाँ हैं, दिख नहीं रहे? कितने बड़े हो गए वे अब? मिक्की 5th में है और चिंकी 7th में। आवारागर्दी कर रहे होंगे दोनों के दोनों कहीं। और अमर जी कैसे हैं? कब तक लौटेंगे शाम को वे? खूब भले चंगे हैं, जब इच्छा होगी आ जाएंगे, अभी भी आ सकते हैं, शाम के 6-7 बजे तक भी आ सकते हैं, और उनकी इच्छा हो तो रात के 11 बजे भी लौट सकते हैं, और न चाहें तो रात भर भी न लौटें। लहजे का तीखापन मुझे छील देता है। पहले तो ऐसा नहीं था, वो मेरे सामने लहरा जाता है अमर का, उसकी शादी के पहले का वह चेहरा, जब वह अक्सर हमारे घर आता था। अभिषेक उस समय बहुत छोटा सा था, वह उसे गोद में ले ऊपर उछाल देता तो मेरा दम ही निकल जाता कि कहीं गिर न पड़े। मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तब से ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तक मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, अब सबसे कह देती हूँ। तुम्हारी सास नहीं कहती कुछ अमर जी से? वह क्या कहेंगी, उनका ही तो यह सब लगाया बुझाया है, तभी तो हम इस घर में आकर अकेले रहने लगे। और तुम्हारे देवर देवरानी? उनसे भी हमारी कोई बोलचाल नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो भी कोई पूछने नहीं आने वाला। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग तो अब अलग रह रहे हो, अमर जी तो ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक ही हैं। ठीक ही हैं का क्या मतलब? जाने भी दो दीदी, आप बैठो 2 मिनट, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं शकुन, चाय पीने की मेरी इच्छा नहीं है, वैसे भी अब चलूंगी, उसकी कलाई पकड़कर कहती हूँ मैं। लेकिन मेरी तो इच्छा है, आपके बहाने मैं भी पी लूंगी दीदी। अच्छा तो चलो मैं भी वही किचन में चलती हूँ, अकेले बैठकर यहाँ क्या करूंगी। शकुन ने गैस के एक चूल्हे पर चाय का पानी रख दिया है, दूसरे पर कढ़ाई रख दी है। यह सब कुछ मत करो प्लीज, मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कढ़ाई वाले चूल्हे का स्विच ऑफ करती हुई कहती हूँ मैं। कहीं अमर जी तुम्हें मारते पीटते तो नहीं? न जाने दिमाग के किस कोने में सकुचाए बैठे शब्द अनायासी मुंह से फिसल पड़ते हैं। हाँ मारते तो हैं, तुम क्या कोई गलत काम करती हो? नहीं तो फिर पिटती क्यों हो? औरत होने का मतलब यह तो नहीं कि आदमी अपनी मनमानी करे। मेरे अंदर का खून खौलने लगा है, इतनी देर से संयत करके रखा था उसने भी अपने आप को, दूध के उफान की तरह रोकते रोकते भी सब कुछ बाहर आ जाता है। मुझसे कहते हैं कि साली कुतिया रंडी कहीं की, मुझे क्या पता था कि एक वैश्या को भी आकर ला रहा हूँ। हराम जाती सस समर कर खिड़की पर खड़ी हो जाती है, अपने यारों को बुलाती है उनके संग रंग रैलियां मनाने को। दीदी अगर मैं सुंदर हूँ तो क्या यह भी मेरा दोष है? सुबह से शाम तक अकेली रहती हूँ, कोई भी बोलने को नहीं, ये भी कहीं नहीं ले जाते। अगर कभी किसी से दो शब्द बोल ली तो क्या इससे कोई वैश्या बन जाता है? अमर जी तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते थे। दीदी आप क्या जानती हैं इनके बारे में? मैं जानती हूँ इनकी नस नस को, कि इनके दिमाग में कितनी गंदगी भरी पड़ी है। देखो यह देखो, वह साड़ी के आंचल को नीचे गिरा अपने ब्लाउज के बटन खोल रही है। यह क्या कर रही हो शकुन? मैं अस्त-व्यस्त हो उठती हूँ, उसकी पीठ पर लंबे लंबे निशान हैं, और यह देखो उसका निरावृत गोरा वक्ष स्थल, और उस पर आरे तिरछे मुंह चढ़ाते ये काले और लाल लाल लंबे निशान। अनायास ही मेरी उंगलियां उन निशानों को छूने लगी हैं, एक सिस्कारी सी उसके होठों से निकलती है। यह सब क्या है शकुन? हंसती है वह, यह प्रसाद है उनके पेंट की बेल्ट द्वारा दिया गया। लेकिन क्यों? इसलिए कि महीने भर से एक टॉर्च लाने के लिए कह रही थी इनसे। आप तो जानती ही हैं दीदी यहाँ लाइट कितनी अधिक जाती है, ऐसे में बिना टॉर्च के कितनी परेशानी होती है। परसों में बाजार जाके खुद खरीद लाई टॉर्च, बस यही अपराध है मेरा। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? ऐसे पति से तो पति न होना बेहतर। दीदी बस इतने से ही घबरा गई, मेरी बात तो अभी पूरी भी नहीं हुई। एक अजीब सा
वहशीपन है उसकी आंखों में, मुझे घबराहट सी होने लगी है। क्या अभी भी कुछ शेष है? जानती हैं एक बार इन्होंने क्या किया? मुझे एक कुर्सी पर जबरदस्ती पटक कर मेरे दोनों हाथ कुर्सी के पीछे बांध दिए। मेरी दोनों टांगे कुर्सी की दोनों टांगों के साथ अलग अलग बांध दी। जाने कहां से एक लंबी लकड़ी ले आए ये, और मेरे शकुन चुप हो जाओ तुम, एक भी शब्द आगे मत बोलना, मत बोलना। शब्दों को बोलने की ताकत चुप गई है मेरी। शकुन के शब्द पिघले शीशे से मेरे कानों में पड़ रहे हैं। मेरा दाहिना पांव बाएं पांव पर आकर कसकर जम गया है। होठ सूख रहे हैं। गैस पर चढ़ा पानी, चाय का सारा पानी उड़ गया है, और शकुन मेरे कंधे पर सिर रखे फपक फक फक कर रो रही। टावर जाने का मूड नहीं है अब। कैसा टावर और कैसी साड़ियां, ये रंग बिरंगी खूबसूरत साड़ियां पहने असंख्य औरतें, उन लुहावनी दिलकश साड़ियों के नीचे कितने जख्म पल रहे हैं कौन कह सकता है। किसी के चेहरे से उसके अंदर का कुछ भी नहीं जाना जा सकता। कैसा सांवला सलोना सा लगता था यह अमर। बैंक में अच्छी खासी नौकरी थी। एक बार मेरे मन में आया भी था कि निशा का ब्याह इससे कर दिया जाए, लेकिन पापा चट्टान की तरह अड़ गए थे। मुझे अपनी बेटियों का ब्याह इस शहर में नहीं करना, बस अगर कहीं निशा की शादी इससे हो जाती तो। यह तो शब्द हथौड़ी की तरह मेरे सिर पर चोट कर रहा है। मम्मी आंगन में लेटी हुई हैं, मुझे देखकर उठ बैठती हैं। अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई मीता, मैं टावर गई ही नहीं, तो इतनी देर तक कहाँ थी? रास्ते में शकुन मिल गई, उसी के घर चली गई। उस रात करवटे बदलती रहती हूँ, लेकिन नींद नहीं आती। रह रहकर बच्चों की याद आ रही है और निरंजन की भी। शादी के इन 20 सालों में एक बार, सिर्फ एक बार निरंजन ने मुझ पर हाथ उठाया था और मैंने अपनी अटैची पैक कर ली थी। कहाँ जा रही हो मीता, उसने घबरा कर पूछा था। कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं रुकूंगी अब एक पल के लिए भी। उस समय अमित पेट में था। ऐसी हालत में कहाँ जाओगी, निरंजन ने तब बहुत मिन्नतें की थी, माफी मांगी थी। मुझे एक मौका दो मीता, अगर फिर कभी मैं ऐसी गलती करूं तो चली जाना। तब से आज का दिन है वह अपने शब्दों से फिरा नहीं। पापा को हार्ट अटैक हो गया है, इसलिए 10 महीने बाद ही फिर से यहाँ आना पड़ा। निरंजन भी साथ आए हैं। कोई और बात होती तो रास्ते भर डायलॉग सुनने पड़ते। यह तुम्हारा बिहार है ना, इसमें घुसते ही अच्छी खासी ट्रेन भी बैलगाड़ी बन जाती है और स्लीपर क्लास जनरल कंपार्टमेंट में बदल जाता है। बाथरूम जाओ तो उल्टी हो जाए और हाथ धोने को 2 बूंद पानी भी नहीं। कभी तुमने बिहार की ट्रेनों में लैट्रिन की दीवारों पर लिखी इबारतें पढ़ी हैं? अब के टॉयलेट जाना तो पढ़कर आना। मेरी तो इच्छा हो रही है कि अभी एक शैतानी चमक निरंजन की आंखों में भर गई है और मैं घबरा कर दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। दरभंगा की बस में बैठे निरंजन कहते हैं, तुमने सुना मीता, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर लोग कैसे चिल्ला रहे थे कि जल्दी चलो गाड़ी खुल जाएगी, मानो गाड़ी कोई गाय भैंस है जो रस्सी से बंधी थी अब खुल जाएगी। और तुम्हें याद है एक बार जब हम स्टेशन पर उतरे थे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे, तब लोग कैसे कह रहे थे कि पत्थर पड़ रहे हैं, पत्थर पड़ रहे हैं। इसमें ऐसी विचित्र लगने वाली बात क्या है जो तुम हर बार दोहराते हो? यह तो हर प्रांत की अपनी भाषा, अपना एसेंट, अपने लटके झटके होते हैं। तुम अक्सर नहीं कहते कपड़े घड़ी कर दो, अब यह बताओ कि कपड़ों को घड़ी कैसे बनाया जा सकता है? हम तो सिंपली कहते हैं कपड़े तह कर दो। यूं ही रास्ते भर नोक झोंक और कहा सुनी चलती ही रहती। इस बार निरंजन बिल्कुल चुप थे और उनकी यह चुप्पी कांटे से चुभ रही थी। पापा अस्पताल में हैं, ठीक हैं, अब बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। आपको यह क्या हो गया पापा, मैं रुआंसी होकर कह रही हूँ। पापा धीरे से मुस्कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा मीता, तेरी मम्मी को अकेला छोड़कर मैं मर नहीं सकता। हमने वायदा किया है एक दूसरे से कि जब भी जाएंगे साथ ही जाएंगे। इतना बोलने में ही पापा पस्त से हो गए हैं, उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। निशा अभी तक नहीं आ पाई, वह न्यू जर्सी में है, कल तक आ पाएगी। हॉस्पिटल से बाहर निकलती हूँ तो प्रमोद भाई साहब मिल जाते हैं,
घर लौट रही हूं मीता, और निरंजन जी नहीं आए, वे अंदर हैं पापा के पास। दरअसल मम्मी को घंटे भर पहले वे जबरदस्ती घर छोड़ आए थे। मम्मी की हालत देखकर तो मुझे डर लगता है, मैं उनके पास ही जा रही हूँ, कल सुबह आऊंगी। तुम यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना यहाँ चाचा जी के पास। अरे हाँ मीता, तुम्हें पता है शकुन चली गई। शकुन चली गई? मैं वाक्य को पुनः दोहराती हूँ, मानो शब्दों के अर्थ को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ, कब, क्यों? 2 महीने पहले, तुम्हारे जाने के बाद से तो उसके घर की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। डेली ही कोई ना कोई नाटक होता ही था। अमर तो सबसे कहता फिरता है कि साली बदचलन थी, एक मर्द से उसका मन नहीं भरता था, भाग गई अपने किसी आशिक के साथ। क्या वास्तव में तुम भी मीता? एक पत्र है जाने से पहले तुम्हारे लिए छोड़ गई है। मैंने तो पढ़ा नहीं क्योंकि वह बंद था और खोलना मैंने उचित नहीं समझा। शायद उसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो। कुमुद घर पर ही होगी, रास्ते में उससे ले लेना, या फिर जब मैं उधर आऊंगा तो ले आऊंगा। नहीं भाई साहब, आप यहाँ का ही ध्यान रखें, मैं रास्ते में ले लूंगी, मैं झट से कहती हूँ। एक रिक्शा आ रहा है खाली, उसे हाथ देकर रोक लेती हूँ मैं। दीदी चरण स्पर्श, मैं यहाँ से जा रही हूँ, जिंदगी से भाग कर नहीं जा रही, जिंदगी की ओर जा रही हूँ। जहां से जिंदगी हाथ से फिसल गई थी, उसी जगह से जिंदगी को फिर से पकड़ने की कोशिश करूंगी मैं, और पढ़ूंगी। सदियों से औरत को गुलाम बनाकर रखने के लिए जो जाल बुना गया है स्त्री धर्म का, उसको तोड़कर जा रही हूँ। सही कहा था आपने कि जुल्म करने वाला तो अपराधी है, लेकिन जो जुल्म सहता है वह उससे भी बड़ा अपराधी है। मैंने बहुत कोशिश की दीदी अपने घर को बचाने की, किंतु असफल रही। आप नहीं जानती आपके यहाँ से जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। सीढ़ियों से इन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मेरे दाहिने हाथ की हड्डी ही टूट गई। दाने दाने को मोहताज कर दी गई मैं। अमर तो बाहर ही खाकर आते थे, बच्चों को भी वे बाजार में खाने के लिए पैसे दे देते थे। यह तो भला हो प्रमोद भाई साहब और कुमुद भाभी का, उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया वह सिर्फ फरिश्ते ही कर सकते हैं। बाबूजी का स्नेह भरा परस अपने सिर पर और आप सबका प्रेम व अनुराग अपने हृदय में समेटे जा रही हूँ। घर की चौखट से बाहर कदम रखते हुए आज मेरे मन में कोई संशय नहीं। दरअसल जिसे मैं अब तक अपना समझती रही वह मेरा कभी था ही नहीं। यह शरीर, यह धन दौलत, ये रिश्ते नाते, सब कुछ यहीं रह जाना है। अब कभी आसमान मेरे सिर पर नहीं टूटेगा, वह तो बंद कमरे के भीतर ही मुझ पर जितना कहर ढहा सकता था ढहा चुका। आज तो वह अपनी अनंत बाहें फैलाए खड़ा है मेरे सामने नतमस्तक। मैं मरूंगी नहीं दीदी, मैं जीऊंगी, इस सृष्टि के महान रचयिता की इच्छाओं को अपने अंदर पूर्ण करने के लिए। अपना पता नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अपना पता ही तो ढूंढना है मुझे। बीच वाले कमरे में लेटी हुई है 81 1 mg की एक टेबलेट लेकर। पिछली रात 1 मिनट के लिए भी पलक नहीं झपकी उनकी, अब थोड़ी आंख लग गई है शायद। मैं बरामदे में इमरजेंसी लाइट में बैठकर पत्र पढ़ रही थी, पता नहीं कब पत्र लिए दिए ऊपर छत पर चली आई। नारियल और ताड़ के पेड़ों का झुरमुट है, पीछे राज कंपाउंड की जर्जर होती ऊंची दीवार है, और ऊपर तारों से भरा दूधिया चांदनी में नहाया असीम आसमान है। अचानक बिजली की चमक की तरह एक कामना हृदय में लहरा जाती है, काश निरंजन इस समय यहाँ होता, उसके बलिष्ठ कंधों पर से टिकाए मैं बैठी रहती चुपचाप रात भर, और ओस में सिक्त धवल चांदनी हमें अपनी स्निग्ध चादर में लपेट लेती। तो ये कहानी थी अपना पता, और आप लोग जो है इस पर और टिप्पणियां करें तो मुझे पता लगे कि कैसी कहानी है। अब तक मेरे 4 कविता संग्रह आए हैं, उनमें से कुछ कविताएं पढ़ूंगी, कुछ उनसे बाहर की भी पढ़ूंगी। मैं प्रारंभ करती हूँ अपना कविता पाठ। पहली कविता है रोबोट। और एक दिन नींद खुलेगी हमारी और हम पाएंगे, और एक दिन नींद खुलेगी हमारी और हम पाएंगे कि आसमान नहीं है हमारे सिर के ऊपर।
और एक दिन नींद खुलेगी हमारी और हम पाएंगे कि आसमान नहीं है हमारे सिर के ऊपर, कि प्रयोगशालाओं के भीतर से निकलता है तंदूरी सूरज, कि पक्षी अब उड़ते नहीं, महज फड़फड़ाते हैं और पेड़ पेड़ नहीं ठूंठ नाम से जाने जाते हैं, कि कोख कोख नहीं जलता हुआ रेगिस्तान है और हृदय संवेदन शून्य बर्फ उगलता एक शमशान। और एक दिन डिक्शनरी खोलेंगे हम और देखेंगे कि आजादी शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, और एक दिन डिक्शनरी खोलेंगे हम और देखेंगे कि आजादी शब्द हमारी हमारे शब्दकोश में नहीं है, कि माता पिता प्रेम दया जैसे उद्गार ऑब्सोलीट हो गए हैं अब, और तब बदहवास से डिस्क में बंद अतीत को स्क्रीन पर टटोलते हम जानेंगे कि हम इंसान नहीं रोबोट हैं, और तब बदहवास से डिस्क में बंद अतीत को स्क्रीन पर टटोलते हम जानेंगे कि हम इंसान नहीं रोबोट हैं। दूसरी कविता है गुफ्तगु। अगर मैं रख दूं शब्द तुम्हारी गर्दन पर, ठीक जिभ होते जानवर की गर्दन पर रखे चाकू की तरह, अगर मैं रख दूं शब्द तुम्हारी गर्दन पर, ठीक जिभ होते जानवर की गर्दन पर रखे चाकू की तरह, जानती हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जानती हूँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और यही करना है मुझे, और यही करना है मुझे। तुमने किया है इस्तेमाल चाकू का आदमी को मारने के लिए, मुझे करना है शब्दों का इस्तेमाल धारदार चाकू की तरह, मुझे करना है शब्दों का इस्तेमाल धारदार चाकू की तरह, इजाद करनी है वह भाषा जो मेरी कलम के इशारों की चेरी, जब तक इंसान और इंसानियत के बीच गुफ्तगु न हो जाए शुरू, विश्वास जानो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देना मुझे, विश्वास जानो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देना मुझे। कविता के इलाके में, कविता के इलाके में पुलिस से भाग कर नहीं घुसी थी मैं, कविता के इलाके में पुलिस से भाग कर नहीं घुसी थी मैं, वहां मेरा मुख्य कार्यालय था, वहां बैठकर जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने थे मुझे, जहां बैठकर जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण फैसले करने थे मुझे, यह सच है तब मैं हांफ रही थी, आंखों में दहशत थी पर कोई खून नहीं किया था मैं, पर कोई खून नहीं किया था मैंने, लेकिन मैं चश्मदीद गवाह थी अपने समय की हत्या की, जिसे जिंदा जला दिया गया था धर्म के नाम पर, लेकिन मैं चश्मदीद गवाह थी अपने समय की हत्या की, जिसे जिंदा जला दिया गया था धर्म के नाम पर। मैं पहचानती थी हत्यारों को और हत्यारे भी पहचान गए थे मुझे, मैं पहचानती थी हत्यारों को और हत्यारे भी पहचान गए थे मुझे, वे जो ढलान पर दौड़ते हुए मेरे पीछे आए थे वह पुलिस नहीं थी, पुलिस की वर्दी में वही लोग थे जो मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, जो मिटा देना चाहते थे हत्याओं के निशान, किसी तरह उन्हें डोसते घुस ली थी मैं कविता के इलाके में, और अब एक जलती हुई शहतीर के नीचे खड़ी हांप रही थी जो कभी भी मेरे सिर पर गिर सकती थी। दंगाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे, दंगाई मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे, मुझे उनसे पहले ही अपने मुख्य कार्यालय पहुंचना था और निर्णय लेना था कि किसके पक्ष में थी मैं, कि किसके पक्ष में थी मैं। मुझे एक वसीयत लिखनी थी आने वाली पीढ़ी के नाम और छुपा देना था उसे कविता की सत्रों के भीतर, मुझे एक वसीयत लिखनी थी आने वाली पीढ़ी के नाम और छुपा देना था उसे कविता की सत्रों के भीतर, मुझे बनानी थी हत्यारों की तस्वीर और लिख देने थे उनके नाम और पते, और लिख देने थे उनके नाम और पते। कविता है, थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी है। रहता भ्रमण बारिश और घर, सुबह ठीक 5:15 बजे मैं घर से बाहर निकलती हूँ, आसमान जब साफ होता है तब बाई ओर नैनीताल की पहाड़ियों पर रोशनियां झिलमिलाती हुई दिखाई देती, सुबह ठीक 5:15 बजे मैं घर से बाहर निकलती हूँ, आसमान जब साफ होता है तब बाई ओर नैनीताल की पहाड़ियों पर रोशनियां झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं, सामने सड़क है और सड़क के उस पार मकानों की कतारें, जैसे कि इस पार मकानों की कतारें, अगर नैनीताल की ओर मुंह करके खड़ी हो जाऊं तो चांद मेरे बाई ओर होता है,
पूर्णमासी के दिन और आसमान तारों को गुदगुदी कर रहा होता है। जाने आपस में क्या खिचड़ी पका रहे होते हैं ये सोए सोए से पेड़। तभी हल्दी रोड स्टेशन से गुजरती है कुकू छुप छुप करती रानीखेत एक्सप्रेस और लाल कुआं वाली सड़क पर बनी मस्जिद से उठती है अजान की आवाज। आकांक्षा तब तक अपने घर का दरवाजा बंद कर आ चुकी होती है बाहर सड़क पर, और मैं सोचती हूँ घर से सड़क तक पहुंचने में कितनी देर लगती है एक औरत को, और कि क्या संसद से सड़क और घर से सड़क तक की दूरी एक बराबर होती। और मैं सोचती हूँ घर से सड़क तक पहुंचने में कितनी देर लगती है एक औरत को, और कि क्या संसद से सड़क और घर से सड़क तक की दूरी एक बराबर होती है। हम लोग चल पड़ते हैं अपने उन्हीं परिचित रास्तों पर, पानी की टंकी, वेलफेयर सेंटर, तराई भवन, मुख्य चौराहा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी सोई हुई होती है अभी, लेकिन उसके भीतर की किताबें जाग रही होती हैं। और किताबों के भीतर के पात्र एक दूसरे से गुप्तगू कर रहे होते हैं। मेरी इच्छा होती है कि अभी दीवार तोड़कर अंदर पहुंच जाऊं और उन पात्रों से जी भरकर बतियाऊं। मैं आकांक्षा से अपने दिल की बात कहती हूं तो वह झिड़कती है, हट पागल। और हम लोग लौट पड़ते हैं लाइब्रेरी की सख्त दीवारों को छूकर। मशरूम रिसर्च सेंटर अब दाहिनी ओर हो जाता है हमारे, और सीआरसी बाईं ओर। हम सोचते हैं कि सीआरसी गेट से क्यों न भीतर घुस लें और फिर चलते रहें घर से दूर और अधिक दूर और अधिक दूर। रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं, कुछ अकेले, कुछ दुकेले, कुछ झुंड में। अब तक रोशनी पर्याप्त हो चुकी होती है और उनके चेहरों को पहचाना जा सकता है। क्या वाकई किसी के चेहरे को पहचाना जा सकता है, सोचती हूँ मैं। यह आपका कौन सा चेहरा है? इस चेहरे के अलावा और कितने चेहरे हैं आपके पास, पूछना चाहती हूँ मैं एक भ्रमणकर्ता को रोक कर, लेकिन आकांक्षा मेरी बाह में कसकर चुटकी भर लेती है। पागल है क्या, वह फुसफुसाती है मेरे कान में। और मैं सड़क के दोनों ओर खड़े एक दूसरे से मिलते बिछुड़ते ऊंचे नीचे पेड़ों के बीच चलती आसमान की सड़क को देखने लगती और सोचती हूँ कि इस सड़क से उस सड़क की दूरी कितनी है, और कि क्या मैं पेड़ों पर चढ़कर उस सड़क तक पहुँच सकती हूँ और उस पर टहल सकती हूँ। इस वक्त तक हम चौराहे पर पहुँच चुके होते हैं कि अचानक आसमान बादलों से भर जाता है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, और कि क्या मैं पेड़ों पर चढ़कर उस सड़क तक पहुंच सकती हूं और उस पर टहल सकती हूं। इस वक्त तक हम चौराहे पर पहुंच चुके होते हैं कि अचानक आसमान बादलों से भर जाता है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। हमारे बाईं ओर IGH है, इसके बगल से गुजरते हुए हम अपने चलने की गति बढ़ा लेते हैं। बारिश अब काफी तेज हो गई है। दाहिनी ओर लैम्बर्ट स्क्वायर से थोड़ा पहले नीली और सफेद धारियों से रंगा एक बस स्टॉप है। किसी समय रुका करती थी बसें यहाँ, अब कोई बस एकाएक इधर से होकर नहीं गुजरती, और गुजरती है तो यहाँ रुकती नहीं। हम दौड़ कर सड़क पार करते हैं और शेड के नीचे पहुँच जाते हैं। हांफते हुए हम अपना भीगा चेहरा पोंछते हैं साड़ी के पल्लू से, और फिर एक दूसरे को देख कर हंसते हैं। सारी प्रकृति धुली धुली लगती है बरसात में, हमारा चेहरा भी धुल गया है, बह गया है सारा धूल धक्कड़ काला रंग। हमारा चेहरा भी धुल गया है, बह गया है सारा धूल धक्कड़ काला रंग। एक दूसरे के चेहरे में देखते हैं हम एक दूसरे का बरसों पुराना अक्स। हम फिर हंसते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, कितना मजा आता था ना भीगने में तब। हाँ कोई मुझसे, हाँ पानी पिया मैंने, पी लिया पानी, हाँ कितना मजा आता था ना भीगने में तब। कल्पना में पीते हैं हम थर्मस से उड़ेल कर चाय वहीं बेंच पर बैठे बैठे, और आसमान से झड़ती रहती है बरसात। अब बारिश पहले से धीमी हो गई है और हमें लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। पतिदेव चाय का इंतजार करते हुए ऊंग रहे होंगे और बच्चे स्कूल और कॉलेज जाने से बचने का कोई नया बहाना ढूंढ रहे होंगे। तभी गुजरता है साइकिल पर छाता लगाए कोई देहाती तर बतर सड़क से। हम फिर हंसते हैं और कहते हैं,
दौड़ कर हम इस आदमी का छाता छीन लें और भाग जाएं तो कितना मजा आए ना। अरे कोई कार वाला आ जा, हमें राइट दे जा, गुनगुनाते हैं हम अपनी सद्य प्रसूत रचना और सिर पर आंचल लपेट चल पड़ते हैं बारिश में भीगते हुए घर की ओर। घर के मोड़ पर पहुंचकर ठिठक जाते हैं हम, देखते हैं एक दूसरे को। अच्छा तो, कहती हूं मैं। हाँ तो, कहती है आकांक्षा और मुड़ जाती है अपने घर की ओर। और मैं अपने घर के कंपाउंड में घुसती हुई सोचती हूँ, क्या होता है घर, क्या होता है घर। बारिश हो रही है अभी भी, फिर से भीग गया है मेरा चेहरा। बारिश हो रही है अभी भी, फिर से भीग गया है मेरा चेहरा। और भीगे चेहरे से टपक रहे हैं बूंद बूंद कर प्रश्न। और भीगे चेहरे से टपक रहे हैं बूंद बूंद कर प्रश्न। अगली कविता। एक दिन घने जंगलों के बीच थोड़ी सी जमीन साफ कर बनाया था यह छोटा सा सीमेंट और कंक्रीट का आशियाना। एक दिन घने जंगलों के बीच थोड़ी सी जमीन साफ कर बनाया था यह छोटा सा सीमेंट और कंक्रीट का आशियाना। आज वह आशियाना जंगलों की तरह फैल गया है और जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। आज वह आशियाना जंगलों की तरह फैल गया है और जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। आज वह आशियाना प्रगति के नित नए तराने गा रहा है और जंगलों के गीत खोते जा रहे हैं। आज वह आशियाना बदल चुका है एक बीहड़ जंगल में। आज वह आशियाना बदल चुका है एक बीहड़ जंगल में। और उस बीहड़ जंगल के बीच गमलों और गुलदानों में रचा है आदमी ने एक बोनसाई जंगल। और उस बीहड़ जंगल के बीच गमलों और गुलदानों में रचा है आदमी ने एक बोनसाई जंगल। अगली कविता बहुत ही छोटी सी। एक नन्हा पौधा। मैंने एक नन्हा पौधा रोपा था 20 साल पहले। मैंने एक नन्हा पौधा रोपा था 20 साल पहले। आज वह एक फलता फूलता वृक्ष है। आज वह एक फलता फूलता वृक्ष है। चलो हम सब मिलकर एक-एक पौधा रोपें आज। चलो हम सब मिलकर एक-एक पौधा रोपें आज। कल वे पौधे हरे भरे जंगल में बदल जाएंगे। कल वे पौधे हरे भरे जंगल में बदल जाएंगे। अगली कविता है रिश्ते। उनके लिए रिश्ते अखबार से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते थे। उनके लिए रिश्ते अखबार से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते थे। जब तक ताजे थे डिमांड में थे, बासी होते ही पुरानी तारीख की नाई कैलेंडर के सीने से उतर जाते थे। कैलेंडर के सीने से उतर जाते थे। एक बार उन्होंने मुझे एक खत लिखा। एक बार उन्होंने मुझे एक खत लिखा। खत में उन्होंने लिखा कि मैं और वे एक ही वेवलेंथ पर धड़कते थे। मैंने सोचा, सोचा, बहुत सोचा। मुझे उनके कथन में सच्चाई नजर आई। वे बाजार के रंग में होली के रंगों को डुबोते रहे। मैं स्याह गलियों और कूचों में टेचू के रंग तलाशती रही और जल्दी ही बासी हो गई। मैं स्याह गलियों और कूचों में टेचू के रंग तलाशती रही और जल्दी ही बासी हो गई। उन्होंने रिश्तों की राख को एक कैप्सूल में बंद कर ऑर्बिट में भेज दिया ताकि उसे चंद्रमा की सतह पर फैलाया जा सके। उन्होंने रिश्तों का एक नया इतिहास लिखा जिसमें मरे हुए रिश्तों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी शामिल था। उन्होंने रिश्तों का एक नया इतिहास लिखा जिसमें मरे हुए रिश्तों की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी शामिल था। मेरी अगली कविता है समय पिघल जाता है बर्फ की तरह। इस पल समय ठहरा हुआ है। इस पल समय ठहर गया है। जो कुछ भी कहना है कह सकती हूँ मैं उससे बेखौफ। इस पल समय रुका हुआ है। एक भी पत्ता नहीं हिलता पेड़ का। एक लक्ष्मण रेखा है निस्तब्धता की दूर दूर तक खिंची हुई। ट्रैफिक का शोर और अंतहीन यात्राएं उससे टकरा कर वापस लौट गई हैं। इस पल समय आमने सामने है मेरे। एक टक मुझको ताकता हुआ मैं उसकी आंखों में आंखें डाल
कह सकती हूँ वह सब कुछ जो जाने कब से दबा था मेरे सीने में, लेकिन मैं अजीब कश्मकश में हूँ। इस पल समय एक सवाल सा टंगा है मेरी निगाहों में। मैं उलटती पुलटती हूँ तमाम हसरतें और सपने अपने, लेकिन वहाँ उनकी केंचुल है बस। समय की नजरें जो मुझ पर टिकी हैं किसी पागल आशिक की सी लगती हैं मुझे, जिनसे मुझे कोफ सी होने लगी है। मैं दूर जाना चाहती हूँ इस ठहरे हुए समय से और ट्रैफिक के शोर में गुम हो जाना चाहती हूँ। मैं देखती हूँ इस कोफ को, बस देखती हूँ, और फन उठाए फुपकारता हुआ कोबरा सहसा सहम जाता है। मैं देखती हूँ अपनी आकांक्षा को, बस देखती हूँ, और कोबरा सिर नीचा कर बिल में बिला जाता है। मैं देखती हूँ समय को, बस देखती हूँ, और मेरे देखते ही देखते समय पिघल जाता है बर्फ की तरह और भाप बन उड़ जाता है। मैं देखती हूँ, बस देखती हूँ, और मेरे देखते ही देखते समय पिघल जाता है बर्फ की तरह और भाप बन उड़ जाता है। मैं देखती हूँ अपने आप को, कोई सवाल नहीं है वहां, कोई कश्मकश नहीं, मैं भी नहीं हूं वहां। मैं देखती हूँ अपने आप को धारा के विरुद्ध बहते हुए, स्वचालित निकल आई हूँ युगो योजनों दूर। मैं देखती हूँ अपने आप को धारा के विरुद्ध बहते हुए, स्वचालित निकल आई हूँ युगो योजनों दूर। तो मेरी अगली कविता है यात्रा। हर बार सोचती हूँ इस बार ध्यान से देखूंगी मैं रास्तों को, पर्वतों को और खाइयों को, आसमान के माथे पर उभर आई सलवटों को पढ़ूंगी, सन्नाटे के सरोवर से निकल सूखे पत्तों पर अविकल कदम धरती आवाजों के दिल की धड़कनों को सुनूंगी। और हर बार आधे से अधिक यात्रा पूरी कर चुकने के बाद सहसा याद आता है मुझे कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, जबकि दृश्य मेरी निगाहों के सामने से गुजरते रहे, आसमान के आवारा टुकड़े मेरे दामन से उलझते रहे, कई भीगी आवाजें हौले से मेरे कानों की लौ को चूम गईं। मैं पुनः प्रारंभ करना चाहती हूँ यात्रा शुरू से, मैं पुनः गुजरना चाहती हूँ उन्हीं रास्तों से, मैं पुनः प्रारंभ करना चाहती हूँ यात्रा शुरू से, मैं पुनः गुजरना चाहती हूँ उन्हीं रास्तों से, मैं प्यार करना चाहती हूँ, मैं प्यार करना चाहती हूँ। अगली कविता निर्वासन। अतीत से निर्वासित हूँ मैं, भविष्य से बेदखल और खुश हूँ, यह निर्वासन स्वयं चुना है मैंने। अतीत से निर्वासित हूँ मैं, भविष्य से बेदखल और खुश हूँ, यह निर्वासन स्वयं चुना है मैंने। वे निर्वासित नहीं हैं, वे बेदखल नहीं हैं और आत्ममुक्त हैं। वे निर्वासित नहीं हैं, वे बेदखल नहीं हैं और आत्ममुक्त हैं, यह अनिर्वासन उन्हें परंपरा से मिला है। वे अपनी गौरवमय अतीत पर मुक्त हैं, कहीं की संस्कृति नहीं है उनके देश के जैसी, जहां अतिथि देव होता है और नारी देवी की तरह पूजी जाती है। वे मुग्ध हैं और करते हैं बलात्कार बच्चियों और स्त्रियों पर। वे मुग्ध हैं और दूसरों के मुंह के भीतर हाथ डालकर निकाल लेते हैं निवाला। वे मुग्ध हैं और करते हैं कत्ल दर कत्ल, प्रत्यक्ष और परोक्ष, तार तार करते हैं इंसानी अस्मिता और भविष्य के प्रति आश्वस्त लौट आते हैं अपने गौरवशाली अतीत में, जहाँ पांचाली खड़ी है अब भी गौरवों की भरी सभा में निर्वसन की जाती हुई, और सीता अग्नि परीक्षा और निष्कासन से गुजरती हुई अंततः समा रही है पृथ्वी में। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। अचानक गणेश की बाढ़ आ गई थी बाजार में, अचानक गणेश की बाढ़ आ गई थी बाजार में। वैसे तो सारे ही भगवानों की थोड़ा कम या ज्यादा मांग बनी ही रहती थी सालों साल, लेकिन इस बार गणेश ने तो मांग और पूर्ति के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। अचानक गणेश की बाढ़ आ गई थी बाजार में, थोक के भाव बन और बिक रहे थे गणेश,
कंट्री मेड और इंपोर्टेड भी, जैसे देशी तमंचा और विदेशी रिवॉल्वर, जैसे देशी तमंचा और विदेशी रिवॉल्वर। थोक के भाव बन और बिक रहे थे गणेश, भिन्न भिन्न डिजाइन, भिन्न भिन्न मटेरियल, प्लास्टिक के गणेश, पीतल के गणेश, लोहे के गणेश, चांदी के गणेश, सोने के गणेश, तांबे के गणेश, शीशे के गणेश, मिट्टी के गणेश, कागज के गणेश, मोम के गणेश, धागों के गणेश, लकड़ी के गणेश और पता नहीं किन किन पदार्थों के गणेश, भिन्न भिन्न रंगों में, भिन्न भिन्न रूपों में। अचानक गणेश की बाढ़ आ गई थी बाजार में, और बाढ़ का यह जलवा अब तो घरों में भी कर्तव्य करने लगा था धड़ल्ले से, और बाढ़ का यह जलवा अब तो घरों में भी कर्तव्य करने लगा था धड़ल्ले से। आलम यह था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। मेरे खुद के कमरे में ही कम अज कम 20-25 रूप रंगों में तो विराजमान थे ही गणेश ठीक आंखों के सामने। अगर शादी के कार्डों से ताकते, कीरिंग में लटपटाते, किताबों से बाहर उचकते, अचार पापड़ अगरबत्ती मिठाई आदि के रैपरों और डिब्बों में आसीन गणेश को जोड़ लें, तो यह संख्या कहां पहुंचेगी कह नहीं सकती। बहरहाल एक गणेश तो बिल्कुल हरे थे, गोल गोल से, किसी जादुई सपने से दमकते, ड्राइंग रूम की साइड टेबल पर सजे हुए, जिन्हें बॉल की तरह ऊपर उछाला जा सकता था। और एक दिन तो वाकई नन्हू ने उन्हें उछाल दिया बॉल समझकर, वे खन्न से नीचे गिरे जमीन पर और टुकड़े टुकड़े हो गए, जैसे मेरा नाम जोकर में राजू का दिल। ओह वह हृदय विदारक दृश्य, भगवान अपने को बचा नहीं पाए। तब बात खुली, ये गणेश मेड इन चाइना थे और कांच के बने थे। ऐसे हादसे अक्सर होते रहते थे घरों में, फिर भी गणेश का बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। ऊपर से बाजार हर दिन आंख पूरी तरह खुलने से पहले ही एक नई स्कीम लेकर चला आता था, मसलन एक गणेश के साथ एक गणेश फ्री, या दो गणेश के साथ एक लक्ष्मी जी फ्री, या दो गणेश के साथ एक कोल्ड ड्रिंक या एक चिप्स का पैकेट फ्री। कोल्ड ड्रिंक और चिप्स की कंपनी का नाम नहीं ले रही कि क्या पता कहीं वे अदालत में कोई केस ही न ठोक दें मेरे विरुद्ध। सच बोलने के ढेरों लपड़े हैं, बल्कि सच बोलने के ही लपड़े हैं। एक स्कीम और आई थी बाजार में, 6 या 12 गणेश के सेट के साथ निश्चित उपहार, और अगर आप भाग्यशाली हैं तो 2 ग्राम या 5 ग्राम गोल्ड का गणेश पेंडेंट, मैं चेन भी आपका हो सकता है। लाजमी है घरों की छतों में छेद हो जाते हैं, और बरसने लगते गणेश झमाझम। अगर आप बहुमंजिली इमारत के किसी फ्लैट में रह रहे हैं तो गणेशों की झपास से भर जाती अपार्टमेंट की बालकनियां, जहां से उन्हें सिर पर लादकर कमरे के भीतर लाया जाता, उन्हें दिखाई जाती अगरबत्ती, धूप और लोबान, ओम गणेश आय नमः का जाप करते हुए खोले जाते सारे बंडल, छोटे और बड़े। लेकिन गणेश मैं सोने की चेन हंसते हुए कहीं और जाकर बैठ जाते अपनी सूंड फटकारते हुए। गृहणियां पसीना पोंछती माथे का, गृह स्वामी बरसते गृह स्वामिनों पर, बच्चे पैर पटकते मचलते हुए, ये क्यों ले आए पापा, हमें सुपरमैन चाहिए। ये सुपरमैन ही तो हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं, मम्मी समझाती। नहीं नहीं, हमें असली वाला सुपरमैन चाहिए, बच्चों की जिद जारी रहती। अब हालत यह थी कि गणेश की यह अवांछित बाढ़ दैनंदिन कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करने लगी थी। रसोई घर में गृहणियां दाल निकालने के लिए खोलती डिब्बा, तो डिब्बे में गणेश सिंहासीन होते। वे चाय बनाने के लिए गैस पर रखती पानी, तो पैन में पहले से गणेश सोए रहते, और वे डरकर गैस बंद कर देती कि कहीं गणेश चाय के साथ उबल न जाए।
जब वे स्नानागार में नहाने के लिए उतारते अपने वस्त्र, तो टब में घुसे गणेश अपनी सूंड में भर भर कर उछालने लगते पानी, और वे घबराकर जल्दी से वापस कपड़े पहन बिन नहाए ही चली आती स्नानागार से बाहर। शाम को जब पति लौटते घर अपने प्रमोशन की या कोई दूसरी खुशखबरी सुनाते हुए, तो शयन कक्ष में बाहों में भरने को होते अपनी अर्धांगनियों को, तो दीवार पर पंक्तिबद्ध गणेश अपने लंबे लंबे दांत निकालकर हंस पड़ते जोर से, और पति दूर छिटक जाते पानी पानी होकर रात में प्रेम करना तक छोड़ दिया था अब तो उन्होंने। बच्चों की हालत भी कोई कम दयनीय नहीं थी। घर तो घर, वे जब बैग खोलते स्कूल में, तो किताबों के साथ गणेश निकल आते डेस्क पर फुदक कर, और टीचर बच्चों के कान मरोड़ उन्हें सजा सुना देती दोपहर भर क्लास से बाहर धूप में खड़े रहने की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक आपातकालीन मीटिंग हुई घर भर की, जिसमें आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि गणेश भगवान हैं, और इससे पहले कि उनका अनादर हो जाए किसी भी तरह, जाने या अनजाने ही सही, खतरे के निशान से ऊपर बह रहे समस्त गणेशों को जल्द से जल्द घर से रुखसत कर दिया जाए सम्मानपूर्वक। निर्णय लेने की देर भर थी कि इस दिशा में शुरू हो गया काम युद्ध के पैमाने पर, और इसमें मिलती गई आशातीत सफलता देखते ही देखते जल स्तर घटने लगा और गणेश अपनी परिधि में समा गए अब गणेश के आतंक से मिली इस मुक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए योजना बनी एक ग्रैंड पार्टी की, विवाह की सालगिरह के बहाने। एक यादगार आयोजन था वह, कम से कम एक जीवन काल तक शहर भर की जवान पर रहने वाला। जब देर रात चले गए बहकते लहकते संतुष्ट अतिथिगण, घर भर आ जुटा खोलने चमचमाते गिफ्ट रैपरों में लिपटे उत्सुक उपहारों को, लेकिन लो, दो को छोड़कर हर पैकेट में गणेश विराजमान थे अलग अलग रूप रंग टेक्सचर में। इनमें से अधिकतर वे ही गणेश थे जो हमने गिफ्ट किए थे लोगों को समय समय पर पानी अब हमारे सर के ऊपर से बह रहा था तो ये कविता थी गणेश, और आपने मेरा कहानी पाठ सुना और मेरी कविताएं सुनी। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार।